नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बेगूसराय के तेघरा में पार्टी के प्रमुख संस्थापक पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के द्वारा पटना में आयोजित गरीब चेतना सम्मेलन के मौके पर बिहार सरकार के लघु सिंचाई व अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने एवं स्वयं को पार्टी के संरक्षण की भूमिका में रहने को लेकर बेगूसराय में खुशियों का माहौल है। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं सहित समर्थकों ने प्रशंसा व्यक्त करते हुए इस निर्णय का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। साथ ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोगों ने बधाई दी है। बेगूसराय के जिला अध्यक्ष पीयूष कुमार ने बधाई देते हुए कहा कि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पार्टी में मजबूत आने के साथ ही जनाधार का विस्तार होगा। जिला मीडिया प्रभारी अशोक कुमार ठाकुर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन को कुशल संगठनकर्ता, सरल व्यक्तित्व, दक्ष राजनीतिकार व प्रखर नेता बताते हुए कहा कि इनका नेतृत्व पार्टी को नई बुलंदियों तक ले जाएगी। जिला प्रवक्ता माधव कुमार, जिला महासचिव दर्शन चौधरी, जिला उपाध्यक्ष ऋषिकेश कुमार, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मोहम्मद सलमान, महादलित प्रकोष्ठ के लक्ष्मी सुधा, सुबोध सदा, कार्यकारिणी सदस्य गंगेश कुमार, राम रतन मांझी, सीता कुमारी, राजकुमार, रजनीश, गंगेश सहित कई लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए बधाई दी। तेघरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।